तो स्वागत है आपका फिर से हमारे छोटे से ब्लॉग चैनल में। मेरा नाम नितेश गला और आप देख रहे हैं नितेश गला ब्लॉग। प्यारे से लोकेशन में हमने ब्लॉग की शुरुआत की थी, आप एक बार घर से जाइए, वहाँ से आप वीडियो देख के आइए। तब तक हम यहाँ पे क्या करते हैं, नाश्ता करते हैं। घर से नाश्ता लाया हुआ था हमारा, क्योंकि होटल में नहीं करना था, क्योंकि कोविड के चक्कर में ऊपर होटल में नाश्ता नहीं करना था हमने, तो घर से नाश्ता लाया हुआ है, नाश्ता करते हैं। टाइम हो रहा सुबह का 5:30 और हम निकल चुके हैं। आज खेत में नहीं जा रहे हैं, आज जा रहे हैं हम रुद्रप्रयाग यहाँ से, जो कि 80 किलोमीटर दूर है। बाइक की सर्विस करवानी है, 500 किलोमीटर कम्प्लीट हो चुके हैं, तो बाइक की सर्विस करवाने जा रहे हैं। ये रखा हुआ हेलमेट और बैग में जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं बाइक की, वो रखे हुए हैं। और मेरे साथ चलने वाला है, आप थोड़ा गैस कर सकते हैं कौन चलने वाला है। अभी मैं जब तक मौसम की हाल दिखाता हूँ आपको। अभी मौसम तो क्लियर है, यहाँ से धूप निकलने वाली है। अभी ये रास्ता है मार्केट जाने के लिए, और सामने पर है केदारनाथ, से सामने पर आ केदारनाथ, और यहाँ से निकलती है धूप मॉर्निंग को, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये मार्केट में पहुंचने वाले, और हमारे साथ जो आज के राइडर होंगे हमारे, वो हमारे साथ रजनीश है, फोन बैग नहीं डाल दिया। तो हम दोनों जा रहे हैं, भाई चलाने वाला यही है, क्योंकि मैं अभी तो उतना नहीं चला पाऊंगा और मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है। न्यूट्रल गाड़ी स्टार्ट, और बहुत दिनों के बाद कपड़ा मारा जाएगा गाड़ी पे। गाड़ी को थोड़ा बाहर निकलना है आज, लोगों के बीच में निकलना है। मास्क लगाना मास्क के। रास्ते में आपको रोड भी दिखाते हैं, जो NH का काम चल रहा है, कितना चल रहा है, कहाँ आगे कैसे रोड है, वो भी आपको दिखाते हैं। और हमको जाना है यहाँ से रुद्रप्रयाग, जो कि 80 किलोमीटर यहाँ से है, क्योंकि गाड़ी हमने वहीं से ली थी। तो आपको भी ले चलते हैं वहीं पर, और रास्ते में आपको रोड का हाल बताते चलते हैं, क्या हाल है रोड के। तो ये रही त्रिवेणी वाली रोड, और ये रही यहाँ सोमराज जाने के लिए रोड, जो गैरा जाती है यहाँ से, और ये रहा नेशनल हाईवे 107। अभी तो रोड के हाल आप ये देख लीजिए, अभी कुछ सोमराज में ये हाल है। अभी सीतापुर में दिखाते हैं जो नई रोड बनी है, जो ऑलवेजर रोड बनी है, नई रोड बनी है, उसका हाल दिखाते हैं। वो तो बहुत ही अच्छी बनी हुई है। ये है रोड, और यार रोड जो बनी है NH की, और भाई साहब जो तो की बना है भाई, जंप ओवर है लगा के। आप ये देख सकते हैं पेंडिंग पूरी हो चुकी है, रोड काफ़ी अच्छी हो चुकी है, थोड़ा ऊपर नीचे थोड़ा अभी ठीक करना है, लेकिन रोड तो काफ़ी अच्छी हो चुकी है। मैक्सिमम रोड आपको रुद्रप्रयाग तक मिलेगी, ऐसी रोड मिलेगी बहुत जगह पर, कम बहुत जगह पर ऐसा कि जहाँ पे मतलब अभी कच्ची रोड है, अभी वहाँ पे काम चल रहा है। पेंडिंग हो चुकी है, लेकिन नीचे वाले में अभी हुई नहीं है, नीचे वाले में अभी पेंडिंग हुई नहीं है, इसलिए अभी चल रहा है काम। आप देख सकते हैं कुछ तो रोड नीचे से बिछाया हुआ है, अभी पत्थर डाले हुए हैं इसमें, और ये आगे फिर से वही कच्ची वाली रोड, अभी चल रहा है काम इस पर भी। अरे अरे अरे
पहुंच गए हम गुप्तकाशी में, जो घर से हमारे घर त्रिवेणी रहते 40 किलोमीटर है गुप्तकाशी, और गुप्तकाशी से रुद्रप्रयाग 40 किलोमीटर बोले तो 80 किलोमीटर पूरा हो गया, तो अभी 40 किलोमीटर और बचे हुए हैं। यही तो वाले रोड में वो सामने पे है केदारनाथ का, आपको जो माला दिखाई दे रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पर्वत है केदारनाथ के मंदिर के पीछे का वाला पर्वत है, और ये सामने पे रहा ऊखी मठ ग्राउंड, ये पूरा ऊखी मठ है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा। इसी रास्ते हम चोपता भी जा सकते हैं, तो ये पहुंच गया हम नीचे कुंड में, ये रहा कुंड यहाँ पे, और यहाँ पे डैम बना हुआ है। मैं आपको गढ़वाले कुंड का मतलब समझाता हूँ। कुंड का मतलब होता है कि एक जगह पे पानी इकट्ठा किया हुआ रहता है, उसको बोलते हैं कुंड, और जो खुद पानी इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे उसको बोलते हैं कुंड। तो यहाँ पे जो है कि यहाँ का नाम कुंड है, यहाँ का नाम कुंड है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कुंड नहीं था जब तक हमने नाम सुना, यहाँ पे कोई कुंड नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे कुंड बन गया है, उन्होंने बोलते यहाँ पे डैम बन गया है, यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया है। ये यहाँ पे डैम है और यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा पानी यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, तो अब ये लग रहा है कि हाँ यहाँ पे कुंड नाम सही रखा है, क्योंकि हम पहले आ रहे थे हम यहाँ पे देख रहे थे कुंड है ही नहीं, बिल्कुल नाम रखा हुआ बस कुंड, लेकिन अभी कुंड भी है और नाम भी कुंड भी है, नाम भी कुंड भी है। तो अभी नाम भी कुंड है और कुंड भी है, तो अभी ठीक लग रहा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे अंधेरा हो गया होगा। ओहो, सन ग्लासेस पहने हुए, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि एकदम से अंधेरा हो गया होगा यहाँ पे। चमोलिय की 40 किलोमीटर है तो ये रहा कुंड का जो पुल है, ये कुंड का पुल है, और यहाँ से ओखी मठ चोपता के लिए रास्ता जाता है रोड, ये ओखी मठ चोपता के लिए यहाँ से जाता है, और हमने जाना रुद्रप्रयाग यहाँ। हाँ, तो पहुंच चुके हैं अभी हम अगस्त्यमुनि में, अगस्त्यमुनि का मार्केट आपको दिखा दे, बहुत बार दिखा चुके हैं वैसे, लेकिन एक बार फिर देख लीजिए आप। अभी मॉर्निंग का टाइम है तो आपको कुछ खाली मिलेगा, यहाँ पे कोई भी नहीं है, कॉलेज अभी अब बंद है। ये रहा अगस्त्यमुनि कॉलेज है नीचे वाला, यहाँ पे
वही घोड़ा? ना ना वही। अरे बापे, अरे मयारी, अरे मयारी। अभी जब रोड की टाइमिंग दी हुई है मतलब कितने टाइम तक खुला रहेगी, तो इसी की वजह से यहाँ पे काम चल रहा है, तो यहाँ से 2 बजे के बाद शायद 2 बजे बंद रहो ना, हम 11 बजे बाद शायद यहाँ पे बंद रहेगी अभी रोड, जब तक उसका काम चल रहा है रोड बंद रहेगी, उसके बाद देखते कब खुलती है रोड। और यही पहुँच गए हम रुद्रप्रयाग में, यहाँ से आपको दिखाते हैं एक बाईपास का रास्ता, एक अंदर जाने का रास्ता, एक बाईपास से निकल कर रास्ता बाहर से, वहाँ से आप देहरादून ऋषिकेश निकल सकते हो, और एक अंदर जाने का रास्ता है, और हमको अंदर जाना है, रुद्रप्रयाग में जाना है क्योंकि शोरूम अंदर है, रुद्रप्रयाग से बाहर निकल गया है बाईपास का रास्ता, आप यहाँ से सीधे बाहर जाके श्रीनगर ऋषिकेश के निकल सकते हो, देहरादून से निकल सकते हो, और यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है रुद्रप्रयाग, यहाँ सीधा आप इंटर कर सकते हो रुद्रप्रयाग मार्केट में। अगर आपको मार्केट नहीं जाना था, आप ये वाली रोड पे जा सकते हो, बाहर वाली